हेलो फ्रेंड, वेलकम टू YKP ऑनलाइन क्लासेस। आज हम क्लास 9th के एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम उससे पहले फार्मूले याद कर लेते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट फार्मूला क्या है कि a की पावर p इंटू में a की पावर q का फार्मूला क्या है, a p प्लस में q। सेकेंड है a की पावर p, फिर a की पावर p एंड इंटू में q, तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए पी क्यू। फिर हमारा थर्ड फार्मूला क्या है, ए की पावर पी अपॉन में ए की पावर क्यू इक्वल टू क्या होता है, ए पी माइनस क्यू। पावर जो होते हैं वो माइनस हो जाते हैं। एंड फोर्थ हमारा क्या है, ए की पावर पी एंड बी की पावर पी, तो इसका हमारा होता है ए बी इंटू एंड पावर सेम होता है उसमें। इसके बाद हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि 2 की पावर 2 अपॉन 3 इंटू में 2 की पावर 1 अपॉन में 5। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है वो फर्स्ट फार्मूले पे बेस्ड है। कौन सा फार्मूला है, a की पावर p इंटू में a की पावर q इज इक्वल टू a p प्लस में q। तो a हमारा क्या है, 2 है, और p क्या है, 2 अपॉन में 3 प्लस में 1 अपॉन में 5। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे दोनों का, तो क्या आएगा, 2 15 3 5 सा 15 मतलब 5 टू 10 प्लस में 5 3 जा तो 3 आ गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, 2 की पावर 13 अपॉन में 15। ये फर्स्ट का हमारा आंसर हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या किया, 3 और 5 ऐड तो होते नहीं है, तो उसके लिए हमने एलसीएम लिया। तो एलसीएम क्या आएगा, 15 आएगा। 3 की टेबल में 15 का कितने पे आता है, 5 पे। एंड न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में 5 से इंटू करेंगे तो 5 टू 10 प्लस में 5 के टेबल में 15 कितने पे आता है, 3 के टेबल में, तो 1 को 3 से इंटू कर दिया तो 3 अपॉन में 15, तो 10 प्लस 3 13 अपॉन में 15। ये हमारा फर्स्ट का आंसर हो गया। इसके बाद हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है, बी पार्ट इसका क्या है, 1 अपॉन में 3 की पावर 3 एंड होल की पावर हमारी 7 है। तो हम इसको, ये जो है हमारा सेकंड क्वेश्चन की तरह a की पावर p है एंड अपॉन में होल q इज इक्वल टू a की पावर p q। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 3 है तो ये 3 की पावर इंटू में 7 माइनस में, क्योंकि ये पावर नीचे है तो ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 की पावर माइनस में 21। ये हमारा सेकंड का आंसर है। इसके बाद अब हम थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है हमारा, 11 की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू में 11 की पावर 1 अपॉन में 4। ये हमारा थर्ड फार्मूला पे बेस्ड है। तो ये हमारा क्वेश्चन अब हम किस तरह लग करते हैं ये देखते हैं। a की पावर p अपॉन में a की पावर q इज इक्वल टू a की पावर p माइनस q। तो ये हमारा क्या है, यहाँ पे 11 है एंड p क्या है हमारे पास, 1 अपॉन में 2 माइनस में 1 अपॉन में 4। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 11 तो एज इट इज आएगा, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 यहाँ पे 2 माइनस 1। तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, 11 2 माइनस 1 1 अपॉन में 4। ये हमारा थर्ड का आंसर है। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन क्या है हमारा, 7 की पावर 1 अपॉन में 2 इंटू 8 की पावर 1 अपॉन में 2। तो ये हमारा क्या है, a की पावर p इंटू में p की पावर p। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए बी की पावर p। ए बी क्या है हमारा, 7 इंटू में 8 की पावर 1 अपॉन में 2। तो 7 8 जा 56 की पावर 1 अपॉन में 2। ये हमारा फोर्थ का आंसर है। इस तरह आज हमने एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता तो आप
अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।